हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। गाइस, फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जहां पर हमें कई सारी चीजें देखने को मिले। जैसे द शील्ड के हमें तीनों मेंबर्स का सिंगल मैच देखने को मिला। इसके अलावा ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपना रिटर्न कर अटैक किया ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स पर। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डीन एम्ब्रोस ने क्या कहा शील्ड को तोड़ने के बारे में। इसके अलावा हमें शील्ड का किन किन सुपरस्टार्स के साथ सिंगल्स मैच देखने को मिला, तो चलिए देखते हैं। गाइस, पहले बात करते हैं कि डीन एम्ब्रोस ने क्या कहा शील्ड को तोड़ने के बारे में। सो गाइस, डीन एम्ब्रोस ने कहा कि द शील्ड कोई ब्रांड नहीं है, ना ही ये बिजनेस है, बल्कि हम लोग ब्रदर्स है, इसलिए हम लोग कभी भी अलग होने वाले नहीं हैं। गाइज, अब बात कर लेते हैं कि हमें डीन एम्ब्रोस का किस सुपरस्टार के साथ मैच देखने को मिला। सो गाइज, डीन एम्ब्रोस ने फेस किया था ब्रॉन स्ट्रोमन को। लेकिन गाइज, जब एंड में ब्रॉन स्ट्रोमन डीन एम्ब्रोस को पावर स्लैम लगाने वाले थे, तभी डीन एम्ब्रोस की हेल्प करने आए रोमन रेंस और फिर उनके पीछे पीछे आए सेथ रॉलेंस। उसके बाद उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर उनको बाहर भेज दिया। लेकिन गाइस, डिस्क्वालिफिकेशन से जीत हो गई ब्रॉन स्ट्रोमन की, जिस बात से डीन एम्ब्रोस को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद गाइस, हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलता है डॉल्फ ज़िगलर के साथ, जिस मैच में जीत हुई द बिग डॉग रोमन रेंस की। उसके बाद गाइस, हमें सेथ रॉलेंस का मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर के साथ। और गाइस, जब इस मैच को सेथ रॉलेंस जीतने वाले थे, तभी इस मैच में इंटरफेयर करते हैं डॉल्फ ज़िगलर, जिसका फायदा उठाकर ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर दोनों मिलकर अटैक करते हैं सेथ रॉलेंस पर। लेकिन गाइस, फिर सेथ रॉलेंस को बचाने आते हैं रोमन रेंस। और गाइस, जब रोमन रेंस भारी पड़ रहे थे ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर पर, तभी ब्रॉन स्ट्रोमन आकर अटैक करने लगे रोमन रेंस पर। लेकिन गाइस, उसके थोड़ी देर बाद कैंडोस्टिक लेकर एंट्री होती है डीन एम्ब्रोस की, और वो कैंडोस्टिक से अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और उनकी टीम पर। लेकिन फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम भारी पड़ती है डीन एम्ब्रोस पर, और वो डीन एम्ब्रोस पर भी अटैक करते हैं। उसके बाद गाइस, एंड में शील्ड का मजाक उड़ाते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम शील्ड का साइन बनाती है। सो गाइस, डीन एम्ब्रोस ने सेथ रॉलेंस और रोमन रेंस की हेल्प कर ये बात साफ कर दी कि वो अभी भी शील्ड में है। सो गाइस, यही सब रोल रहा शील्ड का आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। इसके अलावा गाइस, आप सब कमेंट कर बताइए कि आप सबको आज की मंडे नाइट रॉ की एपिसोड कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसका फायदा ये होगा, मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।